नमस्कार, स्वागत है आपको स्वास्थ्य गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो आज बात करेंगे पीला पीला लाल लाल हरा हरा पपीता। मैं साल पे 3 महीना के अंदर करीब करीब 900 बेल पी जाता हूँ। ऐसे ही पपीता के मौसम पे करीब करीब 1000 पपीता खा पी जाता हूँ। जैसे बेल परम उपयोगी चीज है, ठीक ऐसे ही पपीता महा उपयोगी चीज है। पपीता उड़िया में इसको बोलते हैं अमृत भंडा, अमृत भांड। अमृत जो मरा नहीं है, अमृत मृत अमृत जो मरा नहीं है। और ये देवता लोग अमृत पी के अजर अमर हो गए। आपको भी अजर अमर होना है तो खाओ पपीता। ये पपीता रेड कलर का भी आता है, पीला कलर का भी आता है। और अगर खुद खेती करते हैं, थोड़ा सा भी जगह है, किचन गार्डन है, तो अपने घर पे भी उगा सकते हैं। नहीं, देसी वैरायटी, एक पपीता गच इतना मोटा होता है पूरा, ऐसा करके करीब करीब उसका जो नीचे का ट्रंक रहता है 1.5 से 3 फीट तक होता है, और उसमें बहुत सारे शाखा प्रशाखा निकलते हैं। एक पपीता गच लगाते हैं तो करीबन 10 साल तक पपीता खा सकते हैं। मेरे पास ऐसा पौधा है, मैं होगा तो आपको दिखाता हूँ, अभी लेके वो वीडियो वो पपीता पेड़ तक पहुँचाता हूँ आपको। ये जो पौधा देखिए, साथ में बहुत सारा शाखा निकला है और उसमें ऊपर बहुत सारे फल हैं, और यहाँ भी ऐसे ही फल हैं, यहाँ भी बड़े बड़े हैं, और ये पका हुआ झूल रहा है उधर। तो ये पपीता का पौधा तो देख लिए, पपीता ऐसे और भी बड़े बड़े हैं हमारे फार्म हाउस में। तो ऐस पपीता को फायदा, एक पहला, जिनका भी कंस्टिपेशन है, ऐसे कंस्टिपेशन रोगी अगर पपीता खाते हैं, पेट का कंस्टिपेशन दूर होता है, कब्ज दूर होता है, मोटापा जिसका है दूर होता है, इसको खाने से शरीर हल्का लगता है। अमृत तुल्य है, इसलिए जो एसिडिक नेचर ऑफ योर बॉडी, जिनका चिड़चिड़ा स्वभाव है, छोटे छोटे बात में चिड़चिड़ाते हैं, क्रोधित होते हैं, पपीता खाने से वो आदमी कूल डाउन होता है, काम होता है, शांत होता है। तो जब भी आप बेल या पपीता खाते हो, प्लीज एक भी बीज फेंकना नहीं, सुखा के रखना। खरीदेंगे हम, चिंता मत करिए। और मैं तो किलो किलो इसका बीज रखता हूँ और लेके खेती करता हूँ। अमृत भंडा पपीता, ये सबसे मुख्य काम आपका लिवर को फ्रेश करता है, नरेसिस करता है, मजबूत करता है, आपके इंटेस्टिनल ऑर्गन्स जो बड़ा आंत और छोटी आंत दोनों के लिए ये सफाई और पोषण देने का काम करता है। तो जो भी इंटेस्टिनल डिजॉर्डर है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजॉर्डर जिनका है, उनके लिए पपीता सबसे उपयोग है। उनके लिए पपीता को ग्राइंडिंग करिए, पानी मिलाइए और ग्राइंडिंग करिए, पी जाइए, फिर देखिए कितना मस्त लगता है। स्वास्थ्यपद है बेल, स्वास्थ्यपद है पपीता। स्वास्थ्य चाहते हो तो सीजन का फल, सीजन का फ्रूट्स खाइए, ना कि ठेला का, केला ठेला का फल जो जिस जगह का नहीं है, जिस ऋतु का नहीं है, ऐसा फल जिसमें तो वो सारे फल नहीं सड़े नहीं पके बोल के जो दवाई छिटते हैं, ऐसा चीज नहीं करना है। स्वास्थ्य चाहिए तो फल खाना है। फल में है बल, फल में है ताकत। जितना ज़्यादा फल खाएंगे, उतना ज़्यादा बुद्धिमान बनेंगे, उतना ज़्यादा ज्ञानी बनेंगे, उतना ज़्यादा आपको स्वास्थ्य मिलेगा। और मैं कहता हूँ, जब फास्टिंग होता है, एकादशी का उपवास है, या नवरात्र भी चल रहा है, नवरात्र का उपवास है, तो ओनली पपीता पे रहिए, ओनली बेल का जूस पे रहिए। मेरा गारंटी है, एक भी बीमारी अगर शरीर पे आपका रह जाए तो हमें बोलिए। बल देने वाला और निरोग स्वास्थ्य प्रदायक यह पपीता होता है।
तो जरूर खाइए। नमस्कार।